नमस्कार दोस्तों, मैं विजू मयाल देवभूमि उत्तराखंड से और सीधे रुख करता हूँ किसान के खेत से। इस वीडियो में हम अन्नदाता किसान के मुद्दे पर बात करेंगे। दोस्तों, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। दोस्तों, हमारे वीर जवान देश के सीमाओं पर दिन रात डटे रहते हैं, जिनकी बदौलत हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं और हमारे मेहनती किसान अपनी कड़ी मेहनत से अनाज उगाते हैं, जिसको खाकर हम जीवित रहते हैं। इसलिए किसान को अन्नदाता का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, हमारे किसान को खेती करते समय अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी वह कड़ी मेहनत से अनाज उगाता है, तब जाके वह अन्न देश के नागरिकों को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। दोस्तों, समाज के उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति भी किसान का उगाया अनाज खाकर ही जीवित रहते हैं, फिर भी किसान की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, इतनी बात जरूर है कि चुनाव पीरियड में किसान को वोट बैंक के रूप में जरूर याद किया जाता है। किसान के सामने आने वाली जो मुख्य समस्याएं हैं, वो हम आपको बताएंगे। महंगी दवाएं, दोस्तों मार्केट में हमारे किसान को महंगी महंगी दवाएं मिलती है, बट जब वो अपनी खेती को बेचने जाता है, अपने उपज को बेचने जाता है, तो उसकी दवाओं का भी रेट उसको नहीं मिलता है। महंगी खादें, देखिए दोस्तों, आज खादें कितनी महंगी हैं। एक गरीब आदमी खादें नहीं खरीद सकता। महंगी दवाएं, सिंचाई की परेशानी, आज आप देख रहे हैं बारिश तो हो नहीं रही है। मैं जब से गांव आया हूं, मुझे बारिश नहीं दिख रही है और गांव में कई गांव में तो अभी ट्यूबवेल भी नहीं है, सिंचाई का कोई साधन नहीं है। तो दोस्तों, सिंचाई की परेशानियां किसान को झेलनी पड़ रही है। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि जंगली जानवरों का कितना आतंक है। हम अपनी या हमारे उत्तराखंड वाले अपनी फसल को सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जंगली जानवर उसका नुकसान करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा मंडी में फसल बेचने की समस्या। देखिए, आज हम अपने हमारी फसल है उसको हम डायरेक्ट नहीं बेच सकते हैं। वहाँ पर बैठे जो आरती हैं, वो हमारी फसल से मुफ्त में 10 या 12% खा जाते हैं। सबसे पहले इसको खत्म किया जाए, ताकि एक किसान को अच्छा रेट मिल सके। तकनीकी ज्ञान और मशीनरी का अभाव, आप देख रहे हैं, आज तकनीकी ज्ञान और मशीन का कितना अभाव है, और लागत के बराबर मूल्य का ना मिलना। दोस्तों, जितनी हमारे आज लागत लगती है, उतना हमको आज हमने एक टमाटर का बीज का पैकेट लिया, वो 500 रुपए का पड़ा, और आने वाले दिनों में जो हमारा टमाटर का रेट होता है, वो 5 रुपए किलो होता है। बीज इतने महंगे हैं हमारे, और किसान की इतनी मेहनत है, किसान बीज इतने महंगे हैं कि आने वाले दिनों में जब हम अपना माल मंडी में बेचने जाते हैं, तो हमको उसका मूल्य नहीं मिल पाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।